जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत फौजी सुंगरपुरिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हरियाणा पुलिस का पेपर सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का लिया गया। आज 7 अगस्त 2021 है। आज मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की आंसर की के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं आंसर की में। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी, एस्कॉर्बिक एसिड। किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? इसमें ऑप्शन ए, कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? ऑप्शन ए, खसरा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेराइड है? ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन नंबर बी, 1.6 × 10⁻¹⁹। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम बनाते हैं? ऑप्शन ए, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 7, एक ओम्स बराबर होता है 1 वोल्ट 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक यौगिक आरडीएक्स का प्रयोग उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये एक विस्फोटक बनाने के रूप में किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसमें उपरोक्त सभी हैं, आंसर है इसका डी, 9th का। कठोरता के लिए निर्धारण निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन ए, EBT। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को किसने बनाया था? तो इसका ऑप्शन है सी, जे प्रेस्पर एकर्ट ने। निम्नलिखित में कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो ये आप जानते ही हैं, ऑप्शन डी, TB, टेराबाइट्स सबसे बड़ी इकाई है। प्रश्न नंबर 13, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है के रूप में जाना जाता है? ये फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद, खालिस्तान डिस्क को ट्रैक्स व सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? जो स्थायी मेमोरी को रोम कहते हैं। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि खालिस्तान की मैट्रिक्स की बनी होती है, यो है पिक्सेल्स। क्वेश्चन नंबर 17, DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। प्रश्न नंबर 18, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है? ऑप्शन सी, रिलेशनल डाटाबेस। प्रश्न नंबर 19, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन सी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, एक सर्वर खालिस्तान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है? तो ये है बैकएंड, क्वेश्चन ऑप्शन ए। उसके बाद, TG37A निम्नलिखित फसल की एक किस्म है? ऑप्शन ए, मूंगफली। अरहर कबूतर मटर का आमतौर पर लाल चना के रूप में जाना जाता है। मूंग के बीज में अंकुरण का प्रकार? ऑप्शन सी, हाइपो एपिजिल। क्वेश्चन 24, सोयाबीन में खालिस्तान प्रतिशत प्रोटीन सामग्री 40, ऑप्शन सी। मूंगफली के बीज में सामान्य रूप से खालिस्तान प्रतिशत प्रोटीन और खालिस्तान प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी, 25% प्रोटीन और 45% तेल पाया जाता है मूंगफली में। क्वेश्चन नंबर 26, कपास खालिस्तान परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 27,
तंबाकू में टाइपिंग का मतलब होता है ऑप्शन सी, टर्मिनल कलियों का हटाना। क्वेश्चन नंबर 28 24D1 ऑप्शन डी, ए और बी। 29 गेहूं में पहली सिंचाई सामान्य खाली स्थान पर करने की अनुशंसा की जाती है, यह क्राउन रूट दीक्षा चरण ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 30 37-65 निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, तो ये गेहूं की है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 31 भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 32 भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम दिकाजी नस्ल है ऑप्शन डी, कांकरेज। पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग होता है खालिस्तान ये बी, जीवाणुओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है, 2 से 2.5 किलोग्राम, दुधारू गायों के लिए 2 से 2.5 किलो ऑप्शन बी। एक संकर बछिया की प्रथम ज्ञात की आयु होती है 36 से 40 माह ऑप्शन सी। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है, ए जर्सी। निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है, ऑप्शन डी गिर। अब शिक्षित युवा शान छांटने की एकमात्र सर्वोत्तम आधार वंशावली ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है, ऑप्शन बी साहीवाल। भदावरी भैंस के दूध की वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है 8.0% ऑप्शन ए। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन का जो इवन इफ टू हॉर्स, इसमें ऑप्शन बी अलाइक। 42 क्वेश्चन का वी कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक एवरी ईयर, इसका ऑप्शन है बी क्लिंच। 43 का है, इसमें 43 के लिए बताया गया है आपका ऑप्शन बी रिनासेंस। 44 क्वेश्चन के लिए रिकमेंडेशन। 45 क्वेश्चन के लिए आंसर है डी, द इंटायर ब्लॉक विल बी डेमोसलाइज्ड। 46 दिस सरफेस फील्स स्मूथ, इसके लिए ऑप्शन बी, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। क्वेश्चन नंबर 47 फॉस्टरिंग, इसके लिए है न्यूट्रिंग ऑप्शन डी। क्वेश्चन 48 के लिए है प्रोपोल के लिए ड्राइव ए। क्वेश्चन नंबर 49 फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है ए बियर कोमा बर्थ। क्वेश्चन नंबर 50 सेलेक्ट द राइट मॉडल के लिए है ऑप्शन सी काट। इस प्रकार से आगे ये मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए 51 से, तो दोस्तों इनको जूम करके आपको दिखाया जा रहा है आंसर, आप ध्यान से देख सकते हैं इनका आंसर सभी का, और ये आपके मैथ के। उसके बाद ये 10 प्रश्न हैं 50 से 51 से लेके 60 तक मैथ के। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 यूरिया सिनेंतर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये ऑप्शन डी है पानीपत में। NH-71A है ये रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। नार वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है, हरियाणा राज्य के राज्यपाल धर्मवीर थे पहले, और हरियाणा जो 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अभी पहले हमारा 21वां स्थान था, तो उस वजह से 20वां स्थान है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे।
और हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों से और महिलाओं द्वारा किया जाता, महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है? ये फाग नृत्य भाई, होली के दिनों में होता है फाग का नृत्य। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिज़ाइन आपको पता ही है, जो ली कार्बोनियर था उन्होंने किया था ये चंडीगढ़ का डिज़ाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, हरियाणा कितने भागों में, खंडों में, ये तो 6 खंड आपको पता ही है, 6 में बांटा गया हरियाणा को। जो इब्राहिम सूरी था उसका मकबरा नारनौल के अंदर है। ये हिरण पार्क जो है वो मैम के अंदर है। और निर्देश एकलव्य संबंधित ज्ञात कीजिए, ये शिष्टाचार इसका है डी, शिष्टाचार। आगे आप ध्यान से देखो, ये रीजनिंग के और मैथ के बीच में मिक्स चल रहे हैं क्वेश्चन, तो ये सब आपको जूम करके दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 91 पे, हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, तो ये साक्षी गर्ग है। और क्वेश्चन नंबर 92, हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी में, तो ये 2 जवानों को सम्मानित किया गया था गृह मंत्री पदक से। क्वेश्चन नंबर 93, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन इसका है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य विभाग। और 94वां क्वेश्चन है, ये सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई कितने घंटे, ये 5 घंटे वृद्धि की गई थी, ये करंट के क्वेश्चन हैं। सन 2019 में हरियाणा की महिला बाल विकास में मंत्री कमलेश डांडा ने किस जिले में 1 स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन, तो ये कैथल में है। उसके बाद गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया था, तो 20 में इन्होंने अम्बाड़ा में फहराया था, अम्बाड़ा। हरियाणा के कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना, तो ये नवदीप सैनी है, ऑप्शन डी। किस हरियाणवी खिलाड़ी को FICCI ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार, तो ये रानी रामपाल को दिया था, हॉकी खिलाड़ी हैं जो। हरियाणा में अवैध खनन की निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो ये ई रवाना योजना है। तो इस प्रकार से ये 99 क्वेश्चन हो गए आपके। और लास्ट क्वेश्चन है, जो 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसिंग है प्रतियोगिता है, ये गुरुग्राम में किया गया इसका आयोजन, ठीक है, क्यों चीज़ को गरौंडा में भी बता रहे हैं, तो जैसा कि आप देख लेना दोस्तों, हमारे से जो संभव थी हमने आपको बताया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।